गांव मस्त है यहाँ का, क्या बोलते हैं, मस्ती मस्ती है, गांव हो तो ऐसा, गांव हो तो ऐसा। सो इन छोटी छोटी कनाल्स में छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ऐसा हाईटेक गांव शायद ही आपने कहीं देखा होगा। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा, वेलकम, आई एम आशीष। सो ही इज ड्राइविंग राइट नाउ, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंडियन कपल इन यूरोप में। तो आज चल पड़े हैं हम अपनी नई डेस्टिनेशन की तरफ, और वो जा रहे हैं यूरोप के एक गांव में। Yes, आपने सही सुना, हम जा रहे हैं यूरोप के एक गांव में, और वो खुद में इतना ज्यादा यूनिक है, तो डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है, एंड आई एम श्योर आप सभी हमारे साथ बहुत एंजॉय करेंगे। सो अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है, मैं ऑलरेडी कार में हूँ। सो बेसिकली इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग, हमने एम्स्टर्डम से अपनी जर्नी स्टार्ट की अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो है अराउंड 130 किलोमीटर फ्रॉम एम्स्टर्डम, एंड अराउंड 90 मिनट्स लगने वाले हैं हमें इस जर्नी में। पर सुबह का टाइम है, लॉन्ग ड्राइव है, आशीष साथ में है और आप सब भी साथ में हैं, सो लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल जर्नी, एंड आई एम श्योर यू गाइज विल ऑल्सो एंजॉय द ब्यूटीफुल लैंडस्केप इन अराउंड दिस हाईवे, सो कम अलॉन्ग। सो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पर, और हमने कार पार्क कर दी है, और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे था सुपरमार्केट। तो आशीष और मुझे लगी थी भूख क्योंकि हम अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो गए थे, तो हमने अपना बाय कर लिया है क्विक ब्रेकफास्ट, जिसमें है 2 coffees और सम ब्रेड्स विच आर सफिशेंट फॉर द ब्रेकफास्ट। तो अगर मैं इसकी क्विकली आपको कॉस्ट बता दूँ, तो इसने हमें कॉस्ट किया है अराउंड 7 euros, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 650 इंडियन रुपीज़, सो विच इज़ मोर देन सफिशेंट आई विल से फॉर द ब्रेकफास्ट, विच विल क्विकली डू राइट नाउ, and then we will go inside our destination. So हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन में, वो है गीथुन। ये एक विलेज है जो नॉर्दर्न ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है एंड आता है नीदरलैंड कंट्री के अंदर। तो आज हम इस यूनिक गीथुन विलेज को एक्सप्लोर करने वाले हैं, और इस गांव की स्पेशलिटी है कि इसमें कोई रोड्स नहीं है, विच मीन्स हम कोई भी कार या कोई भी व्हीकल जो है वो अंदर नहीं ले जा सकते गांव के अंदर। सो बेसिकली अब हमें जितना भी एक्सप्लोर करना है वो या तो बाय फुट करना है या बोट यूज़ करनी है थ्रू दीज कनाल्स। एंड आप अभी ये सोचेंगे कि ये सब सेम चीज़ें तो हमने आपको वेनिस में भी दिखाई थी। सो हमने यस आपको दिखाई थी, एंड इसी वजह से इसको वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहा जाता है। एंड जस्ट टू ऐड टू इट, आई थिंक अबाउट 5 to 10 years बैक इसको एक हिडन जेम ऑफ यूरोप भी कहा जाता था। आज की क्या सिचुएशन है, आज इसको हिडन जेम कहा जाता है या नहीं, वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। एंड जस्ट सो यू नो, इस गांव की पॉपुलेशन इज जस्ट 2795। तो आप सोच सकते हैं कि इतना छोटा सा गांव, बट येट सो ब्यूटीफुल, एंड यही यहाँ की खासियत है। तो आई थिंक हमारे साथ कुछ ऐसा ही हुआ, अभी ये फर्स्ट स्पॉट है जहाँ पे जो ये विलेज का आफ्टर पार्किंग हमें मिला, एंड वी आर जस्ट इन लव विद इट। हमें लगा कि हमें यहाँ पे कॉफ़ी तो सिप करनी चाहिए, वी ट्राइड फॉर हॉट कॉफ़ी, बट सुबह का टाइम है सो रेस्टोरेंट इज़ क्लोज्ड, सो व्हाट वी डिसाइडेड कि जो कॉफ़ी हमने सुपरमार्केट से ली थी वो कॉफ़ी हम यहाँ बैठ के इंजॉय करेंगे। सो इट्स गोना बी अ कोल्ड कॉफ़ी, बट इट्स सच अ नाइस व्यू, सो वी रियली वांट टू सिट फॉर सम टाइम एंड इंजॉय आवर कॉफ़ी एंड हैव सम टाइम हियर। सो Cheers. मैं आपको थोड़ा गीथुन की ओरिजिन के बारे में बताती हूँ। इट वॉज एक्चुअली अ सेटलमेंट फॉर द पीट हार्वेस्टर्स। तो क्या हुआ, जब यहाँ पे
पीट की खेती हुई और उसकी कटिंग हुई तो खुद ही छोटे छोटे पॉन्ड्स बन गए। तो यहाँ के रेजिडेंट्स ने क्या किया, जो आइलैंड्स बने थे उन पॉन्ड्स की वजह से, उन्होंने उन आइलैंड्स पे अपने घर बना लिए। तो अभी घर भी बन गया आइलैंड्स पे, तो उसको कनेक्टिविटी भी देनी पड़ी, तभी ओरिजिन हुई इन छोटे छोटे कनाल्स की। और उनकी कनेक्टिविटी के लिए ये जो आप ब्रिजेस देख रहे हैं, ये आपको पूरे के पूरे गाँव में दिखेंगे। जैसा कि नेहा ने आपको बताया, पीट हार्वेस्टिंग के बाद ह्यूमंस ने सोचा इसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए। यहाँ पे ऐसी बहुत सी कनाल्स हैं, एंड आपको पता है ये सभी कनाल्स को ह्यूमंस ने खुद डग किया था बैक इन द 17th सेंचुरी। एंड इसके साथ साथ इन्होंने ऐसे ब्रिजेस भी बनाए। अब इस छोटे से गांव में ऐसे 176 ब्रिजेस हैं। आप जस्ट सोचिए, आपको अपने नेबर्स के पास जाना है, इस साइड से आपको उस साइड जाना है, एक ही ऑप्शन है आपके पास, आप इस ब्रिजेस के टॉप से ही जाएंगे। तो ये काफ़ी स्पेशलिटीज़ हैं जो इस छोटे से गांव को बहुत यूनिक बनाती हैं, एंड दिस इज़ ए मस्ट सी। आप यहाँ देख रहे हैं, ये बेसिकली एक स्टॉल है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। यहाँ पे सब चीज़ें इन्होंने डिस्प्ले की हैं। सो ये यहाँ पे कुछ एक्सेसरीज हैं, कुछ ईयरिंग्स हैं, लिप बाम है, और यहाँ पे एक गुल्लक है जो हम बचपन में यूज़ करते थे। सो यहाँ पे इसका मतलब ये है, बेसिकली अगर आपने कोई आइटम खरीदना है, साड़ी 1 यूरोस पर पीस है, तो अगर आप कोई आइटम यहाँ से लेके जाते हो, यू जस्ट हैव टू ड्रॉप द मनी हेयर एंड देन गो बैक। बट एक चीज़ जो मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ, यहाँ का कल्चर जो है ऑनेस्टी बेस्ड है। सो बेसिकली इनको पूरा विश्वास है, ये स्टॉल लगाते यहाँ कोई नहीं है, इनको पूरा विश्वास है कि जो भी यहाँ से कुछ लेके जाएगा वो यहाँ ड्रॉप करेगा 1 यूरोस, तभी कोई चीज़ उठा के लेके जाएगा। एंड आई थिंक ये चीज़ हमें डेफिनेटली अप्रिशिएट करनी चाहिए। सो अभी ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर्स की वॉक के बाद हम इस टाउन के सेकेंड एंड पे पहुंच चुके हैं, एंड अभी काफ़ी थक भी चुके हैं। तो अभी मैंने जस्ट ये पानी की बोतल ली है, एंड ये अभी पी है, एंड अभी हमने खाना ऑर्डर दिया तो अभी वो खाना खाएंगे। हाँ, बट वन टिप हम आपको दे सकते हैं कि पानी की बोतल यहाँ पे इज 3 यूरोस, तो ये पानी इंडियन रुपीज़ में अबाउट 250 रुपीज़ का है, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। सो अगर आप आओ तो आपके पास पानी है तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। आप मेरे बैकड्रॉप में देख रहे हैं स्मिथ गीथुन लंच रूम। हमने यहाँ पे अपना लंच किया, पर मैं आपको क्विकली बता दूँ, वेजिटेरियन में ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, सो वी एंड अप हैविंग स्नैक्स। हमने 3 स्नैक्स लिए और अराउंड 2 ड्रिंक्स लिए, तो अप्रॉक्सीमेटली उसकी कॉस्ट पड़ी 28 यूरोस, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2500 इंडियन रुपीज़। सो इट्स एज नाइस ऑप्शंस। और मैं आपको एक बता दूँ कि इनका जो मेन्यू है उसमें अच्छी चीज़ ये थी कि जहाँ जो भी वेजिटेरियन डिशेज थी उनके आगे वी बना था, सो यू कैन क्विकली सी कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए ऑप्ट है अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन हो। और नॉन वेज वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए काफ़ी ऑप्शंस है। इस गाँव की हमें एक और चीज़ लगी, यहाँ पे जो भी रेस्टोरेंट्स है उनका लोकेशन बहुत अच्छे से चुना है, तो बहुत अच्छे व्यूज आपको मिलेंगे, आप चाहे कहीं पे भी बैठ जाइए। एक वन ऑफ द एग्जांपल है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं रेस्टोरेंट, वो कितनी अच्छी लोकेशन पे है, और आप बैठ के वहां खाना खाएंगे तो आप बहुत अच्छे व्यूज को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन माय बैक, यहां पे हाउसेस की क्या स्पेशलिटी है, दैट इज थैचिंग। सो आप देखेंगे हाउसेस की छत पे यहाँ पे थैचिंग की होती है। थैचिंग का मीनिंग क्या होता है, जो अपने नॉर्मल हाउस की छत होती है उसके टॉप पे ये ड्राई वेजिटेशन को यूज़ किया होता है, एंड उसके बाद थैचिंग की जाती थी। ये बेसिकली एक मेथड होता है छत को पानी से बचाने के लिए, विच वॉज यूज्ड इन 17th and 18th century। तो यहाँ पे सभी हाउसेस पे थैचिंग हुई हुई है, एंड यही यहाँ की स्पेशलिटी है। जैसा कि हमने बोला था, आज हम हैं विलेज में, पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देख के मुझे थोड़ी तो हैरानी हो रही है। आप दूर वो देख रहे हैं एक मशीन, एक्चुअली वो एक रोबोट है जो ग्रास कटिंग कर रहा है। एंड ये रोबोट खुद में इतना स्मार्ट है कि इसको पता है कहाँ पे ग्रास है, कहाँ पे कटिंग करनी है, एंड जहाँ पे इसको कोई भी ब्लॉकेज मिल रहा है, जैसे पेड़ है या कुछ है, तो ये वहाँ से अपनी डायरेक्शन खुद चेंज कर रहा है। एंड अभी तो लग रहा है वो मेरी तरफ आ रहा है, बट या इट्स रियली इंटरेस्टिंग। Thank you.
सो अभी जस्ट अराउंड 10 किलोमीटर्स की वॉक फिनिश करके मैं और आशीष आ चुके हैं जहाँ पे बोट स्टैंड है बेसिकली, जो स्टार्टिंग पॉइंट था. यस ही इज राइट. सो 10 किलोमीटर की वॉक का अगर एक्सपीरियंस बताएं तो बहुत ही ज़्यादा आई से वर्थ एक्सपीरियंस था, क्योंकि एवरी बिट ऑफ दिस प्लेस वॉज वेरी वेरी ब्यूटिफुल. और अभी हमें लगा कि मौसम भी थोड़ा सा सुहाना हो रहा है तो अभी हम करेंगे बोट राइड और आपको भी साथ लेके चलेंगे. हमने अभी डिसाइड किया है हम इस बोट में जाएंगे. इसकी कॉस्ट है अबाउट 12.5 यूरोस, विच इज़ अबाउट 1050 रुपीस, एंड उस पर अभी हम जाएंगे 1050 रुपीस पर पर्सन. एंड इन केस आपको पर्सनल बोट चाहिए देन उसका भी ऑप्शन है विच कॉस्ट अबाउट 9000 इंडियन रुपीस. इन छोटी छोटी कनाल्स में छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, तो उसमें ज़्यादा घबराना नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट हैं तो बहुत सारे फर्स्ट टाइमर बोट ड्राइवर्स भी हैं, तो उनको इतना समझ नहीं आता, तो आपस में एक दूसरे को टक्कर की आवाज़, आई एम नॉट श्योर अगर आपने सुनी या नहीं सुनी, तो आपको ऐसी आवाज़ें फ्रीक्वेंटली सुनेंगी. एंड अभी यहाँ पे जैसा हमने आपको बताया कि सब आना जाना पानी पे ही होता है, सो अभी पानी में ही आना जाना होगा तो जाम कहाँ पे लगेगा वो भी कहाँ में. यस, तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी काफ़ी बोट्स इकट्ठी हो चुकी हैं बिकॉज इट्स आफ्टरनून टाइम नाउ, एंड इस टाइम पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं जाम के. एंड अभी जैसा कि आप देख सकते हैं बोट्स की मूवमेंट कम स्पीड पे होती है एंड काफ़ी इम्पैक्ट होता है इसका, बट इट इज़ सो फैसिनेटिंग टू सी एंड इट इज़ क्वाइट यूनिक एंड आई थिंक दिस इज मस्ट हैव एक्सपीरियंस. या नो दैट्स ट्रू. सो अभी हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर जर्नी. जब हमने स्टार्ट किया था इन्होंने कहा था कि 90 मिनट्स होंगे इस जर्नी में, एंड आई थिंक अभी थोड़ा सा ट्रैफिक था तो वी टुक 120 मिनट्स, बट आप थोड़ा आफ्टरनून में आओगे तो इट माइट इवन टेक 180 मिनट्स 150 मिनट्स. सो जितना आप सुबह मॉर्निंग में आओगे उतना आपको फ़ायदा होगा, एंड आई होप आपने भी उतना ही एंजॉय किया. एंड अभी हम आपको वापस से थोड़ा सा टाउन दिखाएंगे. गीतुन में अराउंड 3 म्यूज़ियम्स हैं, तो अगर आपको यहाँ की हिस्ट्री को और डिटेल में जानना है तो आप इन म्यूज़ियम्स को भी विज़िट कर सकते हो. हमने प्रेफर किया कि हम आउटडोर्स में ही रहें क्योंकि हमें ये विलेज बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, तो मैंने और आशीष ने इसको आउटडोर्स में एक्सप्लोर किया और हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया. तो अगर आपकी प्रेफरेंस है कि आप हिस्ट्री की डिटेल्स में जाना चाहते हैं देन यू कैन ऑल्सो विज़िट म्यूज़ियम. जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसको एज ए हिडन जेम भी कहा जाता था, बट अभी इसको अभी भी सब हिडन जेम ही कहते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ ए मार्केटिंग गिमिक क्योंकि अभी ये हिडन जेम तो नहीं है. नॉट एनी मोर बिकॉज यू विल सी सो मेनी टूरिस्ट ऑल अराउंड द प्लेस. और अगर हम फैक्ट्स की बात करें तो अराउंड 1 मिलियन पीपल विजिट गीथून एवरी ईयर. सो उन नंबर से हमें क्लियरली पता चलता है कि अभी हिडन तो नहीं है और सबको बहुत अच्छे से पता है, बट दिस इज़ रियली अ वर्थ प्लेस विजिटिंग. इस गांव में आइसक्रीम भी ये बोट पे बेच रहे हैं एंड दे हैव अ डेडिकेटेड आइसक्रीम बोट. सो अभी क्विकली बता देते हैं कि आप अगर एज अ टूरिस्ट आ रहे हैं तो क्या बेस्ट वे है आपका यहाँ आने के लिए, तो उसमें हम रिकमेंड करते हैं क्योंकि एम्स्टर्डम से आपको टूर पैकेज मिल जाएगा गीथून आने के लिए, और उस पैकेज में कवर करेंगे वो आपका आना जाना एम्स्टर्डम से गीथून, गीथून से एम्स्टर्डम. और उसके अलावा यहाँ पे बोट राइड इज़ अ मस्ट आई विल से इफ़ यू आर कमिंग टू गीथून, बिकॉज वो एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगेगा कनाल्स के थ्रू, तो वो भी आपके पैकेज में इंक्लूड होगा. और उसके अलावा एक हाई टी भी वो उसमें इंक्लूड कर देते हैं और वो पूरा पैकेज पड़ता है अराउंड 90 यूरोस. तो अगर मैं इंडियन करेंसी में बात करूँ तो वो कितना होता है? 8000. ओके,
8,000 पर पर्सन एंड वो भी 8,000 से स्टार्ट होगा. तो आई मीन डिपेंडिंग ऑन आप कौन सी सर्विस में आते हैं उससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट 8,000 में वो अच्छे ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं. एंड सेकेंड, उसमें आप बस में आओगे तो उसका डिसएडवांटेज आपको एक ये होगा कि जब आप उस बस में आते हैं देन वो बस एम्स्टर्डम से 10 बजे वहाँ से चलेगी एंड यहाँ जब तक आप पहुँचते हैं यहाँ काफ़ी भीड़ हो जाती है. तो वो उसका एक कोन है, बट आई थिंक दैट स्टिल ए गुड ऑप्शन क्योंकि आप स्पेशली घूमने आए हैं तो दैट्स ए डिसेंट ऑप्शन. इन केस आप सब कुछ बजट में घूमना चाहते हैं एंड यू वॉन्ट टू सेव मनी देन उसमें आपके पास ऑप्शन है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ सकते हैं. वो हमने आपको बता दिया है कि कौन सी बस कौन से मीडियम से आप आ सकते हैं, उसकी कितनी कॉस्ट होगी, हमने वो सब ऑप्शंस भी आपको बता दिए हैं. हाँ, पैकेज थोड़ा सा हायर साइड में रहेगा बट स्टिल एक सिक्योर ऑप्शन रहेगा. ऐसे आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आपको जस्ट वो बस को फॉलो करना है और वो आपको कन्वीनियंटली यहाँ पहुँचा देंगे. आई होप आपको इस छोटे से गाँव में उतना ही मज़ा आया जितना हमको आया. हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया एंड हम सुनना चाहेंगे कि आपको इस गांव की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो अगर आपको ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है, आप हमारे कंटेंट को इन्जॉय कर रहे हैं, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड वी होप टू सी यू फॉर द नेक्स्ट वन. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.